सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल रिचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं भानु प्रकाश गुर्जर। आज हम बात करते हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट के सेकंड ईयर के पेपर फोर के बारे में। जैसा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये जो पेपर चार है उसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। हिंदी में इसको विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा है। पेपर चार के अंदर हमारे 5 यूनिट दी हुई है, जिसमें पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का परिचय। सेकेंड यूनिट है असेसिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। थर्ड यूनिट है इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन एजुकेशन। चौथी यूनिट है नेटवर्किंग फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। और पांचवी यूनिट है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेसफुल चेंज टूवर्ड इंक्लूजन। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं ये वीडियो देखने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आप HI सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके तभी समझ में आएगा जब आप पेपर फोर का सिलेबस सामने रख के पढ़ोगे, तभी आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो पाएगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप HI का सिलेबस, पेपर फोर का सिलेबस खोलकर बैठे। मैं आज आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ाऊंगा जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का परिचय। और इस पहली यूनिट के अंदर दोस्तों 5 सब पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसमें एक एक को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है समावेशी शिक्षा को समझना, अर्थ और परिभाषा। अगर इसको हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन मीनिंग एंड डेफिनेशन, मतलब समावेशी शिक्षा को समझ क्या है ये समझेंगे हम आज। इसका अर्थ क्या होता है समावेशी शिक्षा का, समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या है। तो जैसा दोस्तों, अब हम सबसे पहले समावेशी शिक्षा क्या है इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। समावेशी शिक्षा की बात करें तो सबसे पहले समावेशी शिक्षा अलगाव का विपरीतार्थक है। समावेशी शिक्षा अलगाव का विपरीतार्थक है। इससे मतलब यह है कि जो स्पेशल एजुकेशन हमें सामान्य बच्चों से दूर कर देती है। देख, आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो अलग स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ नॉर्मल बच्चे नहीं होते हैं, और जो जहाँ नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे स्पेशल बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो ये अलगाव, इसको हम कहते हैं अलगाव, जो उनके दोनों के बीच में एक अलगाव या दूरियां पैदा हो जाती है, तो ये उसका विपरीतार्थक है। विपरीतार्थक का मतलब है कि जो स्पेशल विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन बच्चों को अलग अलग करती है, ये उसका विपरीत, मतलब विपरीत का मतलब है ये दोनों स्पेशल और सामान्य बच्चों को एक साथ जोड़ती है। यह शिक्षण की ऐसी प्रणाली है जिसमें स्पेशल नीड वाले बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ मुख्य धारा के स्कूलों में पठन पाठन व आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलता है। अर्थात ये, मतलब कि जो चीज मैं पहले बता रहा था वही है इसके अंदर की, जिसमें क्या होता है स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं और जो सामान्य बच्चे होते हैं उनको सामान्य स्कूलों में पठन पाठन करवाया जाता है, और जो स्पेशल बच्चों को भी आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलता है। यह विशिष्ट बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुमोदन करती है। समावेशी शिक्षा अगर सामान्य और विशेष बच्चों को एक साथ में एजुकेशन देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि विशेष बच्चों की जो स्पेशल या विशेष आवश्यकताएं होते हैं उनको ध्यान नहीं दिया जाता है, उनको भी
ध्यान दिया जाता है और उन उनकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति समावेशी शिक्षा में की जाती है। इस प्रकार संयुक्त शिक्षा में मुख्य धारा व एकीकरण का सहारा लेकर सभी बालकों को एक साथ शिक्षित करने के उद्देश्य पर बल दिया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है कि संयुक्त शिक्षा में मुख्य धारा व एकीकरण का सहारा लिया जाता है। समावेशी शिक्षा के अंदर क्या होता है कि जो समावेश शब्द है उसी में समावेश मतलब दोनों को एक ही जगह समाहित कर दिया जाता है, एक ही स्कूल में समाहित कर दिया जाता है और उनको वहां पे शिक्षित करने के लक्ष्य के साथ में लक्ष्य पर जोर दिया जाता है। इस तरह से क्या होता है कि विशिष्ट व सामान्य बच्चों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। अगर समावेशी शिक्षा के अंदर इस विशेष बच्चों को और सामान्य बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है तो उनके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव की जो भावना होती है वो उत्पन्न। इसके तहत क्या होता है जो पठन पाठन के अलावा जो विकलांग बच्चों के लिए जो बाधा रहित स्कूली मॉडल का निर्माण कार्य शामिल है, जैसे हम देखते हैं कि स्पेशल स्कूल्स में रैंप बने होते हैं और HI बच्चों के लिए जो ध्वनि रोधी कक्ष बने होते हैं जिसमें बाहरी आवाजें ना आए, तो ऐसे जो उनकी जो विशेष बच्चों के लिए जो बाधाएं आती हैं तो सामान्य स्कूलों में ऐसा मॉडल तैयार किया जाता है कि जो बाधा उत्पन्न ना हो, उनको सभी तरह की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, विशेष बच्चों की सभी प्रकार की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए बाधा रहित स्कूली मॉडल का निर्माण इसके अंदर किया जाता है। और क्या होता है कि समाज में जो निःशक्तता ग्रस्त बच्चों की आबादी वो कितनी, 5 से 10% है। अगर हम देखें तो जो हमारे समाज है उसके अंदर 5 से 10% ऐसे बच्चों की, निःशक्त बच्चे जो है विकलांग, उनकी 5 से 10% आबादी है। इसलिए ऐसे बच्चों को शिक्षा में समावेशन किया जाना चाहिए। तो अगर 5 से 10% ऐसे बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे तो ये हमारे देश के डेवलपमेंट में कैसे सहयोग कर पाएंगे या ये हमारे मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएंगे, और इसलिए विशेष बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समावेशी शिक्षा में दोनों को एक साथ में लाया जाता है और स्कूलों में बाधा रहित वातावरण को निर्माण किया जाता है। अब दोस्तों परिभाषा की अगर बात करूं मैं तो समावेशी की परिभाषा है वो क्या है, समावेशी शिक्षा इस बारे में है कि हम अपने स्कूल कक्षाओं कार्यक्रमों और गतिविधियों को कैसे विकसित और डिजाइन करते हैं ताकि सभी छात्र एक साथ सीख और भाग ले सके। मैं एक बार परिभाषा को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, समावेशी शिक्षा इस बारे में है कि हम अपने स्कूल कक्षाओं कार्यक्रमों और गतिविधियों को कैसे विकसित और डिजाइन करते हैं ताकि सभी छात्र एक साथ सीख और भाग ले सके। ये जो परिभाषा दी है वो है माइकल एफ जियोन ग्रेको के अनुसार। और मैं एक परिभाषा और देता हूँ आप लोगों को समावेशी शिक्षा की, कि समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों से है और ऐसे सिद्धांतों से है, ऐसी प्रथाओं के समूह से है जो सभी विद्यार्थियों को, चाहे वे विशिष्ट है अथवा नहीं, प्रभावशाली और सार्थक शिक्षा देने पर बल देते हैं। समावेशी शिक्षा की परिभाषा की बात करूं तो समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों सिद्धांतों तथा प्रथाओं के समूह से है जो सभी विद्यार्थियों को, चाहे वे विशिष्ट है अथवा नहीं, प्रभावशाली और सार्थक शिक्षा देने पर बल देती है। तो ये तो दोस्तों हमने बात की समावेशी शिक्षा के को समझने की और उसके अर्थ की है, और दो परिभाषाएं हमने पढ़ी। अब समावेशी शिक्षा की प्रकृति कैसी है,
अगले पॉइंट पे आते हैं, समावेशी शिक्षा की प्रकृति। प्रकृति से हम तात्पर्य है कि समावेशी शिक्षा का नेचर कैसा है। तो इसका नेचर की बात करें तो मैं बताना चाहूंगा आपको दोस्तों, समावेशी शिक्षा का नेचर यह है कि यह समावेश के सिद्धांत पर आधारित है। सबसे पहले तो जो समावेश शब्द है उसी में समावेश मतलब मिला देना या शामिल कर देना, ऐसा जो भावार्थ निकल के आता है। तो ये इसके पहली प्रकृति तो यही है कि यह समावेशन के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरी प्रकृति की बात करें तो कैसी है इसका, इसमें विशिष्ट व अपंग विद्यार्थियों को अपनी ही आयु के बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है कि जो विकलांग बच्चे होते हैं उनकी जो एज होती है उसी एज के सामान्य बच्चों के साथ में एक उन्हें शिक्षा लेने का एक साथ मिलकर शिक्षा लेने का एक अच्छा और बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होता है। तीसरा इसका नेचर या प्रकृति कैसी है, इसका लक्ष्य विशिष्ट शिक्षा का सामान्य शिक्षा पद्धति के साथ एकीकरण करना है। तो इसका जो एक लक्ष्य है समावेशन का, वो लक्ष्य ये है कि जो विशिष्ट शिक्षा है उसको सामान्य शिक्षा पद्धति के साथ में एकीकरण या मिला देना या एक दोनों को एक ही कर देना। अगला जो इसकी प्रकृति है वो है, यह शिक्षा निशक्त बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। समावेशी शिक्षा क्या करती है कि जो निशक्त बच्चे होते हैं, जो डिसेबल बच्चे होते हैं, उनके सर्वांगीण विकास पर बल देती है। अगला नेचर इसका क्या है, यह शिक्षा विशिष्ट बच्चों को सामान्य बच्चों के समान समाज व राष्ट्र की उन्नति में सहयोगी बनाती है। समावेशी शिक्षा क्या करती है कि जो विशिष्ट बच्चों को सामान्य बच्चों के समान ही समाज और राष्ट्र की उन्नति में सहयोगी बनाती है। अगली प्रकृति इसकी बात करें तो यह है, यह शिक्षा लचीली शिक्षा प्रणाली में संभव होती है। और समावेशन तभी ही संभव है जब शिक्षा प्रणाली लचीली हो, ताकि सामान्य और विशिष्ट बच्चों के, क्योंकि देखिए लचीली से अभिप्राय यह है कि जो विशिष्ट बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे लर्निंग करते हैं, जबकि सामान्य बच्चे एक तीव्र गति के साथ में लर्निंग करते हैं। इसलिए लचीली यह है कि उन्हें सामान्य बच्चों की गति को और विशेष बच्चों की गति को एक सामंजस्य बिठाकर इस समावेशी शिक्षा के अंदर शिक्षा दी जाती है। अगले पॉइंट पे बात करें दोस्तों तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। भाई समावेशी शिक्षा को अगर लाया गया है शिक्षा प्रणाली में तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका महत्व क्या है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि अलग से विशेष शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। जब पहले ऐसा माना जाता था कि जो विशेष बच्चे हैं उन्हें अलग से शिक्षा प्राप्त करनी देनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि उनकी आवश्यकताएं सामान्य बालकों से अलग होती है। भाई विशेष बच्चों की जो आवश्यकताएं होती हैं वो सामान्य बच्चों से अलग होती है, इसलिए पहले ये माना जाता था कि विशेष बच्चों को अलग से विशेष शिक्षा देनी चाहिए। इससे अलगाववाद की भावना पैदा होती है। परंतु होता क्या है कि जब विशेष बच्चों को अलग से विशेष शिक्षा दी जाती है तो इसमें एक अलगाव मतलब डिस्क्रिमिनेशन की भावना सामान्य और विशेष बच्चों के अंदर पैदा हो जाती है, जिसने क्या होता है कि जिसके कारण क्या हुआ, अगर देखिए विशेष और सामान्य बच्चों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो कभी भी एक साथ सामंजस्य नहीं बिठा सकते हैं, वो आपस में एक दूसरे को अलग दृष्टि से देखते हैं और विशिष्ट बालक अपने आप को सामान्य बच्चों की अपेक्षा हीन भावना से कुंठित हो जाते हैं, अपने आप को कमजोर या ऐसा समझने लगते हैं। इसलिए समाज में क्या हुआ कि ये जो
भेदभाव बढ़ता जा रहा था। इसको ध्यान में रखते हुए इंक्लूसिव जो समावेशी शिक्षा है उसके महत्व को और अधिक बढ़ा दिया। महत्व को समावेशी शिक्षा के महत्व को इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसके अंदर सामान्य और विशेष बच्चों को एक साथ में शिक्षा दी जाती है, परंतु विशेष विशिष्ट शिक्षा या विशेष शिक्षा के अंतर्गत विशेष बच्चों को अलग और सामान्य बच्चों को अलग शिक्षा दी जाती है। इसलिए समावेशी शिक्षा का महत्व और बढ़ गया और ये इसलिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। अगर हम महत्व की बात करें कि समावेशी शिक्षा के का महत्व क्या है, इसके देखो दोस्तों बहुत अच्छे और बहुत सारे महत्व हैं। तो मैं एक एक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला शैक्षिक वातावरण, शैक्षिक वातावरण की बात करते हैं या एकेडमिक एटमोसफेयर जो होता है उसकी बात हम करते हैं। इसके अंदर जब असमर्थ बालक को नॉर्मल स्कूल में भेजा जाता है तो वो है शिक्षित शिक्षक देखिए बच्चों जो मैं आपको शैक्षिक वातावरण की अगर बात करूं या एटमॉस्फेयर का महत्व की बात करूं ना, तो देखिए जब एक विशेष बालक पहले तो एक विशेष विद्यालय में जाता था और वह पूरी पढ़ाई अपने विशेष विद्यालय के अंदर ही करता है, और जब वह समाज में आता है तो सामान्य लोगों या सामान्य बच्चों से मेल नहीं कर पाता है। परंतु समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जैसे मैंने पहले बताया कि सामान्य और विशेष बच्चे एक ही स्कूल के अंदर या कक्षा कक्ष में शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो जो विशेष बच्चे होते हैं वो अपने आप को समाज से अलग या एक जो उनके अंदर कमी होती है वो नजर उनको नहीं आती है, वो अपने हम उम्र के सामान्य बच्चों के साथ में समायोजित होकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। और जब असमर्थ बालक क्या है कि सामान्य स्कूल में भेजा जाता है तो वह शैक्षिक तौर पर क्या करता है, अपने आप को विद्यालय में समायोजित कर लेता है सामान्य बच्चों के साथ में, तथा उनके मन में यह विचार नहीं आता है कि वह अपने बालकों की अपेक्षा वह दूसरे बच्चों की मतलब दूसरे बच्चों से अभिप्राय से सामान्य बालक हैं उनकी अपेक्षा किसी भी क्षेत्र में कम है। बालक शैक्षिक दृष्टि से उन्नति करता है, मतलब कि अगर इसका एक शैक्षिक वातावरण की बात की जाए, इसका एक छोटा सा अर्थ निकाला जाए, तो इसका मतलब यह है कि जैसे विशेष बालक विशेष विद्यालय में जाता है और सामान्य बालक सामान्य विद्यालय में, परंतु वह शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत जब आपस में एक जगह आते हैं मिलते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे भेदभाव नजर आने लगते हैं, वो सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। परंतु जब सामान्य बालकों के साथ में विशेष बालक एक ही समावेशी मॉडल के अंदर पढ़ते हैं तो जो विशेष बच्चे होते हैं उनके अंदर जो कमियां होती है वो उन्हें नजर नहीं आती, उन्हें ऐसा लगता है कि हम भी सामान्य बच्चों की तरह ही हैं, और इससे वह शैक्षिक दृष्टि से जो विशेष विद्यालय में उन्नति करते हैं उससे अधिक और उन्नति कर सकते हैं। और दूसरा अगर पॉइंट की बात करें तो ये कम खर्चीली है। समावेशी शिक्षा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा की अपेक्षा कम खर्चीली है। देखिए जब विशेष बच्चों को एक स्पेशल स्कूल में भेजा जाता है तो वहाँ पे स्पेशल तरह का वातावरण, स्पेशल एजुकेटर, स्पेशल तरह की स्पेशलिस्ट वगैरह सब चीजें होती है, इसलिए वो एक्सपेंसिव या खर्चीली होती ही होती है। परंतु समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये कम खर्चीला मॉडल होता है क्योंकि सामान्य बच्चे भी उसी में पढ़ते हैं और विशेष बच्चे भी उसी में पढ़ते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि विशेष बच्चों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। उन्हें जब जब विशेष चीजों की आवश्यकता होती है, विशेष चाहे एक्सपर्ट्स की हो चाहे विशेष शिक्षक की हो, तो उन्हें ये विशेष चीजें उपलब्ध कराई जाती है।
अगले पॉइंट की बात करें तो मानसिक विकास, मानसिक विकास है कि समावेशी शिक्षा में जो असमर्थ बालकों को सामान्य स्कूल में सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, तो जो सामान्य विद्यार्थी की तरह ही क्या है, शिक्षा प्राप्त करने से उनमें हीन भावना का विकास नहीं होता है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना, आत्म सम्मान की भावना का विकास होता है। देखिए मानसिक विकास की अगर बात करें तो जो विशेष विशेष बच्चे होते हैं या हम असमर्थ बालक उनको कह सकते हैं, वो जब एक ही समावेशी स्कूल के अंतर्गत पढ़ते हैं सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालय में, तो जो हीन भावना पैदा हो जाती है उनमें विशेष विद्यालय में पढ़ने से, वो हीन भावना वहाँ पे पैदा नहीं हो पाती है, और वो जो उनके अंदर मानसिक एक मतलब कि कुंठा, अपने आप को कुंठित महसूस करते हैं कि हमारे अंदर कमी है या कुछ है, तो वो नहीं होती है, वो अपने अंदर का सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्म सम्मान की भावना विकसित होती है, इसलिए भी इसका समावेशी शिक्षा का महत्व तो है। अगले पॉइंट की बात करें सामाजिक मूल्यों का विकास। सामाजिक मूल्यों के विकास में क्या होता है, जो नॉर्मल स्कूल है उसमें जो असमर्थ बालकों को शिक्षा देने से उनमें सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। वो कैसे होता है, स्कूल में समाज के सभी वर्गों के बालक पढ़ने के लिए आते हैं, इस प्रकार से असमर्थ बालकों में भी प्यार, समायोजन, सहायता, भाईचारा आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। अगले पॉइंट की बात करें, जो अगला महत्व है, समानता का सिद्धांत, पांचवा पॉइंट समानता का सिद्धांत। समानता के सिद्धांत में का क्या महत्व है, जो भारतीय संविधान में प्रत्येक बालक को बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा देने की बात की गई है, हम शिक्षा को प्रदान करने के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए असमर्थ बालकों को समावेशी शिक्षा देना अति आवश्यक है। छठा पॉइंट है आपका, जो छठा महत्व है वो है प्राकृतिक वातावरण। देखिए जो सामान्य विद्यालय है उसमें जो असमर्थ बालक को जो मतलब प्राकृतिक जो एनवायरनमेंट या वातावरण होता है वो प्राप्त होता है, असमर्थ बालक जब सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनमें जो सामान्य से कम होने की भावना विकसित नहीं होती है, उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि हम सामान्य से कम है हमारे अंदर कुछ, तो सामान्य विद्यार्थी भी उनको अपना क्लासमेट समझने लगते हैं तथा असमर्थ बालक अपने आप को सहजता से उनके साथ समायोजित कर लेते हैं। तो ये तो दोस्तों समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व आपको मैंने बताया। अब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा के मॉडल की बात करते हैं। समावेशी शिक्षा के मॉडल की जब हम बात करते हैं, मॉडल से अभिप्राय कह सकते हैं कि जो समावेशी शिक्षा दी जाती है वो उसकी उसके संस्थान संरचना किस प्रकार तरह की होती है। देखिए सर, स्कूल अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग मॉडल होते हैं, इंग्लिश मॉडल, हिंदी मॉडल, संस्कृत मॉडल, विशेष स्कूल, इस तरह से होते हैं अलग अलग मॉडल। तो उसी प्रकार से हम जब मॉडल की बात करते हैं तो एक पहला मॉडल जो होता है वो होता है संयुक्त मॉडल या कंबाइंड मॉडल। कंबाइंड मॉडल को कैसा होता है यह मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जो समावेशी शिक्षा के मॉडल में जो टीचर्स होते हैं वो सारा दिन क्या करते हैं कि नियमित कक्षाओं में निशक्त बच्चों को पढ़ाते हैं, जिन विद्यार्थियों को स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता होती है उन्हें स्पेशल टीचर पढ़ाते हैं,
इस प्रक्रिया में किसी विशेष स्थिति वाले विशेष बालक को उसकी शिक्षा के लिए सामान्य कक्षा से जोड़ा जाता है। सामान्य कक्षा में रहने से असमर्थ बच्चे सामान्य बच्चों के साथ असमर्थ बच्चों को बिना विभेदीकरण के एक साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। देखिए कंबाइंड जो मॉडल होता है उसके अंदर अगर मैं व्यावहारिक बात करूं तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जो विशेष बच्चे सामान्य बच्चों के साथ में पढ़ते हैं, परंतु जो विशेष बच्चों की जब अगर विशेष नीड होती है तो उन्हें विशेष शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाता है और अन्य समय में उन्हें सामान्य शिक्षक ही वहाँ पर पढ़ाते हैं। इससे उनके अंदर भेदभाव की भावना या डिस्क्रिमिनेशन या सामान्य से कम समझने की भावना पैदा नहीं होती है। अगला मॉडल की बात करते हैं, सामान्यकरण मॉडल। सामान्यकरण मॉडल देखिए, सामान्यकरण जो मॉडल होता है ये क्या है, इस मॉडल में जो स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए जब तक संभव हो सके सीखने के सामाजिक वातावरण को नॉर्मल बनाने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें उन सभी डेली लिविंग एक्टिविटीज को प्रोवाइड कराया जाता है जो समाज के नियमित स्थितियों से संबंध रखती है। इस मॉडल में दर्शाता है कि अध्यापक द्वारा बच्चों को हम उम्र बच्चों के साथ अंतःक्रिया के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। ये तो एक मतलब ऐसी भाषा है जिसको हम किताबी भाषा कह सकते हैं, परंतु अगर मैं व्यावहारिक भाषा की बात करूं आपको इसको सामान्यकरण मॉडल के अंतर्गत, तो व्यावहारिक भाषा के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि जो स्पेशल और सामान्य बच्चे होते हैं उनको एक साथ जब पढ़ते हैं तो उनकी जो डेली लिविंग एक्टिविटीज होती है जैसे प्रार्थना करवाना, खेलना, कूदना और एक्टिविटीज होती हैं जो जिनको हम क्यूरिकुलम एक्टिविटीज कहते हैं, वो भी विशेष बच्चों को कराई जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामान्य बच्चे हैं तो सामान्य को कराएं विशेष को नहीं कराएं, तो वो एक टीचर उनको इस मॉडल के अंदर सामान्यकरण मॉडल के अंदर सभी को समान समझते हुए ये सारी चीज एक्टिविटीज कराई जाती है। अब अगला जो मॉडल है वो है पाठ्यक्रम से संबंधित गतिविधि मॉडल या क्यूरिकुलम रिलेटेड एक्टिविटी मॉडल। इस मॉडल में क्या होता है कि सभी बच्चों को पाठ्य क्रियाओं में भाग लेने के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, जैसे प्रातःकालीन प्रार्थना सभा, कविता पाठ, भाषण प्रतियोगिता, खेल क्रियाएं, चित्रकला, शैक्षिक भ्रमण आदि। और इस मॉडल में क्यूरिकुलम अनुभव केंद्रित होता है, अध्यापक इनके द्वारा स्पेशल बच्चों के व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयत्न करता है। इसको कहते हैं पाठ्यक्रम से संबंधित गतिविधि मॉडल। अगले पॉइंट की हम बात करें, अगले मॉडल की हम बात करें तो छात्रावास का मॉडल या हॉस्टल मॉडल भी कह सकते हैं। देखिए हॉस्टल से आप लोग समझ ही गए होंगे, इस प्रकार के जो मॉडल होता है उसमें जो समावेशी शिक्षा में जो आवासीय मॉडल का मुख्य रूप से संबंध सामाजिक व्यक्तिगत व्यावहारिक गुणों की प्रगति से है। इसमें जो स्पेशल और नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उन्हें सामूहिक जीवन की गुणवत्ता को सही रूप से सही ढंग से समझने में सफल हो सकते हैं तथा सहयोग, दुकानदारी, भाईचारे के महत्व को अपने जीवन में अपना सकते हैं। इस मॉडल में स्पेशल बच्चों को स्पेशल एजुकेशन के साथ साथ चिकित्सकीय सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती है। जो अगला मॉडल है वो दैनिक गति विधि का मॉडल। पांचवा मॉडल है दैनिक गतिविधि का मॉडल या डेली एक्टिविटी मॉडल। तो इस मॉडल में क्या है कि इस मॉडल में विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ विभिन्न दैनिक क्रियाकलाप करवाए जाते हैं जिसके फलस्वरूप बच्चों में पर्सनल और सोशल स्किल्स का विकास होता है। इस मॉडल के प्रयोग से विशेष बच्चों के जीवन में
आने वाली जो विभिन्न समस्याओं का वह स्वयं निवारण कर सकते हैं। इसमें विशेष बच्चे सामान्य बच्चों के दैनिक क्रियाकलाप को देखते हुए अपने अनुभव या अपनी योग्यता के आधार पर विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये पांचवा मॉडल था। अब हम छठे मॉडल या संपूर्ण समावेशी शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं फुल इंक्लूसिव एजुकेशन मॉडल। इसमें क्या होता है कि इसमें जो असमर्थ बच्चों को शिक्षण प्रदान करने के लिए विशिष्ट अध्यापक की सहायता ली जाती है, जो विशिष्ट बच्चों को सिखाने में सहायता प्रदान करता है, लेकिन उसका उत्तरदायित्व सामान्य अध्यापक की तरह है। इस मॉडल में पूर्ण समावेशन को ध्यान में रखकर वैकल्पिक सेवाएं तैयार की जाती है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो सामान्य और विशिष्ट अध्यापक में उचित तालमेल हो, अर्थात सामान्य अध्यापक जो पाठ पढ़ा रहा है उसका ठीक ज्ञान विशेष अध्यापक को भी होना चाहिए। विद्यार्थी को प्रत्यक्ष अनुदेशन के साथ साथ स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया जाता है, ताकि वे अपनी कमियों को सुधार सके। इस प्रकार इस मॉडल में दोनों शैक्षिक एक साथ कार्य, शिक्षक दोनों जो शिक्षक होते हैं सामान्य और विशेष, वो एक साथ में कार्य करते हुए शिक्षण करते हैं। अगले मॉडल की अगर मैं बात करूं तो टीम शिक्षण मॉडल के अंतर्गत, या इसको दल शिक्षण मॉडल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल और जो स्पेशल टीचर होता है वो मिलकर बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, तथा जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको नॉर्मल बच्चों के साथ बैठने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार विशिष्ट बालक तथा सामान्य बालक के साथ बैठकर उसका अनुसरण करते हुए सीखता है। ये जो शिक्षण है वो एक विकासात्मक प्रक्रिया है, जिसमें क्या है, दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला तो कि नॉर्मल और जो स्पेशल टीचर में उचित तालमेल का होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो समावेशी सह शिक्षण में मूलभूत कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जैसे कि समय, सहभागिता, सहयोग आदि। इस मॉडल से जो बच्चों या अध्यापकों को लाभ तो होता है, परंतु इसमें समय अधिक लगता है। जो टीम टीचिंग मॉडल होता है उसके अंतर्गत बच्चों को लाभ तो होता है, पर इसमें क्या होता है कि समय अधिक लगता है। अब बात करते हैं रणनीतियों अच्छे मॉडल या इंस्ट्रक्शन मॉडल। रणनीति अच्छे मॉडल की बात अगर हम करें, जिसमें स्ट्रेटेज और इंस्ट्रक्शन मॉडल है, ये इसको कहते हैं। इसको कॉक्स यूनिवर्सिटी में तैयार किया गया है। इसका मुख्य आधार यह है कि विद्यार्थी अपनी क्षमताओं का विकास तभी कर सकता है जब वह सामाजिक, प्रेरणात्मक, अधिगम क्षेत्रों से अनुभव प्राप्त करता है। इसमें असमर्थ छात्रों को सामान्य कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ समायोजन का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला जो मॉडल है वो है समावेशन मॉडल का चक्र। समावेशन मॉडल का चक्र की अगर हम बात करते हैं, तो मैं आप लोगों को इसके अंदर एक चीज समझाना चाहता हूँ कि समावेशन जो चक्र मॉडल होता है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो समावेशी शिक्षा है उसको केंद्र में रखकर उसके साथ में जो चीजें जुड़ती हैं उनको हम जोड़ सकते हैं कि समावेशन मॉडल चक्र से अभिप्राय है। देखिए, इसके अंदर समावेशी जो मॉडल होता है उसके अंदर के चक्कर की हम बात करें तो विद्यालय इसके अंदर का सामान्य होता है,
शिक्षक इसके अंतर्गत सामान्य होता है और इसके अंतर्गत रिसोर्स रूम जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं वो सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के होते हैं। कक्षा कक्ष इसके अंतर्गत सामान्य होता है और जो विशेष बच्चों की आवश्यकताओं के लिए एक रिसोर्स रूम बनाया जाता है। जब भी विशेष बच्चों को विशेष आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है तो उसमें रिसोर्स रूम से सहायता ली जाती है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको जो ये पेपर 4 है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, इसकी पहली यूनिट का पहला पॉइंट अंडरस्टैंडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन मीनिंग एंड डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताई चीजें समझ में आई होगी। और दोस्तों, मैं दोबारा से कहना चाहूँगा, जब भी आप इस वीडियो को देखें तो सिलेबस को साथ में लेकर बैठे ताकि आपको पॉइंट समझ में आए कि हम कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं और इसमें क्या पढ़ रहे हैं। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों लाइक जरूर करें। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए, हम आगे और अच्छे वीडियोस बनाएंगे और मेहनत करेंगे।